जगो। क्या पापा, ये चालू नहीं है, ये ऑफिस है पापा। पता है, तू घबरा मत, अच्छी तरह से इंटरव्यू देना, मैंने तेरी नौकरी पक्की कर ली है। सिफारिश की किसको जरूरत है पापा? I don't like this। फिर भी एक बात याद रखना, जवाब ठीक से देना, उल्टे सीधे जवाब नहीं देना। जी हाँ। हाँ? जाऊं मैं? जी जाऊं। हाँ। ए जग्गो, क्या है पापा? What is it, पापा? कुछ पैसे हैं? थोड़े से। कितने चाहिए? 20, 25, 50। चलो। पक्का। हाँ। मिस्टर जैकिशन। मिस्टर जैकिशन, एक बात मुझे बॉदर कर रही है। आपकी ग्रेजुएशन तो 4 साल पहले हुई थी ना? फिर भी आपको कोई नौकरी नहीं मिली, क्यों? क्योंकि इससे पहले सिलेक्शन कमेटी में आप नहीं थे मिस्टर प्रसाद। वेल यंग मैन, यू आर राइट। हमारे देश में फेवरिज्म बहुत है। फिर भी एक बात सही है कि किसी भी इंटेलिजेंट, जहीन, होनहार और लायक इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है। होनहार, इंटेलिजेंट और जहीन लोगों की यहाँ कोई कीमत नहीं है, जब तक तो उनके हिस्से में सिफारिश या पैसे ना हो। तो तुम्हारा मतलब है इस देश में सारे समझदार और पढ़े लिखे लोग बेकार घूमते हैं? सभी नहीं, ज्यादातर। जितने भी इम्पोर्टेंट सीट्स है वो तो बेकार और नाकार लोगों से भरी हुई है। इस देश की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको शूट कर देना चाहिए या तो नजदीक के बिजली खंभे से लटका देना चाहिए। अगर ओलंपिक में करप्शन का मेडल दिया जाए तो सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लकड़ी, ये सारे मेडल हमारे देश में आएंगे। You sound like an extremist, Mr. Jackson। अगर सच्चाई में आपको बगावत की बू आ रही है तो I can't help it, I am really sorry। Look, Mr. Jackson, हमें इस ऑफिस के लिए सीधे साधे क्लर्क की जरूरत है, किसी बागी की नहीं। You may go। Thank you। माँ 25वीं बार, नो जॉब। अरे माँ, अब स्विच बनाना, माँ बनवाना स्विच को। माँ अली, मुन्ना मुन्ना, जरा इलेक्ट्रिशियन को बुला। मुन्ना मुन्ना, मैच खेलने गया है, जब तक वो पूरा नहीं होता वो नहीं आएगा। काय के लिए रखा हूं उसको मां, मैच खेलने, काम करने। अरे तू यहाँ क्या करी, क्लासेस नहीं गई? अरे हाँ, फीस देता हूँ, 2 दिन में दूंगा, शो के पैसे आ रहे, मगर उसका ये मतलब नहीं कि तू क्लासेस पे मत जा। यार तू क्लासेस पे जा, मैं बात कर लूंगा। कुछ तो सोच अपने बारे में, आखिर तू करना क्या चाहता है? वैश माँ, बैंड बजाऊंगा, दोस्तों के साथ गाना वाना गाऊंगा, लोगों का दिल बहलाऊंगा। पढ़े लिखे ग्रेजुएट को ये काम शोभा देता है? शोभा नहीं देता है तो क्या हुआ माँ, पेट तो भरता है, पैसे तो मिलते हैं, और हमको क्या चाहिए? ये आ गए बस, जाओ जाओ। सड़क में स्टेज लगा के रखा है। अबे हटा पीछे, देखता हूँ कौन रोकता है मेरे को। कौन से रोको? अरे हट पीछे, नहीं हटे तो साले अंदर कर दूंगा। हटा इनको। स्टॉप इट। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तू कौन है बे? मैं इनमें से एक हूँ। इधर शो नहीं हो सकता। किस लिए? ये म्युनिसिपैलिटी की जगह है, इधर म्युनिसिपैलिटी की परमिशन के बिना स्टेज नहीं लग सकता। 20 साल से हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं और आज जाकर आपको परमिशन की याद आई। अच्छा के अंदर मुझे देखो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जी कहिए। कानून को अपने हाथ में लेने का अंजाम जानते हो? कानून कौन हाथ में ले रहा है? आप जाकर वारंट ले आइए कि हम लोग यहाँ शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हाथ में हाथ लेने का अंजाम भी देख लेना। जग्गू, ए जग्गू, क्या रे? मान गए बिड़ू, ये आज के शो में मेरा नाम डालना है। डालूंगा रे, डालना मेरा नाम आज के शो में। बोला ना, क्या हुआ? यहाँ मुड़ के मत देखना, वहाँ से बाबा रहे, देखना मत वहाँ पे। और शर्ट पहन दो, रोहित शर्ट पहन दो। अरे जाओ जग्गू, जाओ, क्या बोल रहा था शो के बारे में? जग्गू, जग्गू, आज के इंटरव्यू का भी सत्यानाश कर दिया तूने। जानता है कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत करके प्रसाद साहब से कहकर तेरी नौकरी का बंदोबस्त किया था, और तूने वही जली कटी बेहुदा बातें करके उनका अपमान कर दिया। हाँ मगर पापा, कहीं भी मैं तेरी एक बात सुनना नहीं चाहता। मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया नहीं था जग्गू कि तू BA पास करके गलियों और सड़कों पर नाचता फिरे, सड़कों पर तमाशा करता फिरे। चलो मैं तुझसे बात करूँ, चाहता है ऊपर इतना बड़ा हो गया तू ये भी नहीं जानता कि घर चलाने के लिए पैसा लगता है। पैसा, बातों से घर नहीं चलता। पैसे तो कमाता हूँ मैं, पैसे तो कमाता, बात थोड़ी करता हूँ सिर्फ। तो इतना बड़ा नहीं हुआ जो मुझे समझा। देखो क्या बे? अरे वाह, रिसोर्ट को टाइम हो रहा है, तू ऊपर क्या कर रहा है? चल ना, बुड्ढा भड़का रे। मैं हाथों तो शाम को बात करता हूँ। हाँ जल्दी आना। एक बात बताऊँ हेल्थ मिनिस्टर साहब? जी हाँ। ये जो मेरा बेटा है ना, ये आधा पागल है, इसके यहाँ फुतूर है। अगर वो ठीक होता तो मैं उसे अपने कारोबार में लगा लेता। जाहिल है, पढ़ा लिखा जाहिल है वो। मैंने उसे पढ़ा लिखा कि आर्किटेक्ट बनाया, कि बिल्डिंगें बनाया, वो गरीबों की झोपड़ियां गिराता फिर रहा है। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा कारोबार मत कीजिए, किसी दिन ले डूबेंगे आपको, और ऐसे ले डूबेंगे कि मैं भी आपको फिर बचा नहीं सकूंगा। डॉक्टर साहब कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ डॉक्टर साहब सवालात कर रहे थे और हमारे साहबजादे उनको यहाँ करके मजाक कर रहे थे उनकी। बहुत खुश थे डॉक्टर साहब। एक बात गौर किया तूने, जब वो मुस्कुराता है कितना खूबसूरत दिखता है ना? स्कूल की रिपोर्ट अच्छी है, काफी तेज है दूसरे बच्चों से। वो जब बोलिंग डालता तो देखा, पूरा ऐसा हाथ घुमा के। क्या मैं आपको सही आदत नहीं दे सकी? बिल्कुल सही है वो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नॉर्मल है वो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई खामी नहीं है उसमें। क्यों कोसती हो खुद को? जितना तेरा है उतना मेरा है वो। अरे यार वो काले वाली लेना। अरे लोग सुनो, क्या है बे? जग्गू ने बोला है तुम लोग खेल शुरू करो, वो आता है। अरे यार जग्गू को छोड़, श्रीदेवी कब आएगी? अबे हाइट कम संपत्ति ज्यादा, श्रीदेवी कब आएगी? क्यों छोड़ता? अरे यार सूरी देवी को पटाने देना यार, पटाने देना प्लीज, मैं इसका दीवाना हो गया यार प्लीज। हाय हाय कितना हुआ? आ गई मेरी सूरी देवी। हाथ लगाने देना। आओ हिरवानी। माजिद भाई, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मुझे बिना देखे पहचान कैसे लेते हो। यह हमारे वालिद साहब की मेहरबानी है। उनका कहना यह है कि दुश्मन को उसके कदमों की छाप सुनकर और दोस्त को उसके बदन की खुशबू सुनकर पहचानना चाहिए। आश्रम से ले लो। एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने आया हूं। पिछले 4 महीनों में हमारी कंपनी ने 10 करोड़ 27 लाख का मुनाफा किया है। इसका मतलब समझते हैं आप? मेरा पैसा, तुम्हारी अकल और लोगों का खौफ, इन सबको मिलाकर हम चाहे जितनी दौलत की फसल उगा सकते हैं। खुशखबरी तो मैंने सुना दी, अब एक बुरी खबर भी सुनानी है। वो तो तुम्हारी पुरानी आदत है, कहो। साकी नाका में जो 9 माले की बिल्डिंग बनाई है, वहां कोई पोजीशन लेने आ ही नहीं रहा। क्यों? हमें परमिशन मिलती 6 माले की, हमने बना दी 9। अब 6 माले से ऊपर एक बूंद पानी नहीं जाता। हमारी नगरपालिका क्या कर रही है? नगरपालिका क्या करेगी जहां इस देश में ही पानी की कमी हो? तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ठीक से बजाओ। अरे वीडियो गलती हो गई। हाँ चलो कमान, अब ठीक से बजाओ। 2 3 4। अबे पाइपलाइन पे क्या कर रहा है तुम लोग? हट जरा, चल पाइपलाइन से निकाल। निकाल इधर से। क्या तेरे को क्या बात है भाई? नहीं क्या तेरे को? हाँ चल निकाल। वो शाणे को नीचे भेज। अबे शाणे, एक लाफा दूंगा अभी ना। क्या साहब, दादागिरी है क्या? फिर से बोल। दादागिरी है क्या आप लोगों की इधर? ए टिकू को बुला, ए टिकू को बुला। राजीव, राजीव टिकू को बुला। ए टिकू को बुला। जरा 10 रुपए लाना। माँ बा ने 10 रुपए मंगाए। जरा दूध भी ले आना। हाँ ले आता हूँ माँ, हाँ ले आता हूँ। जग्गो, ओ जग्गो। आ रहा हूँ पापा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चले 4 रुपए के दे और पानी कम। ये तुम लोग दवाखाने में क्या कर रहे हो? ये असलाम, ये क्या नाम है? कुछ नहीं कुछ नहीं। आना इधर। ये तुम लोग यही रुको, ज्यादा शांत पति नहीं करने क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बोल? हाँ कुछ नहीं यार, हम लोग वो पाइपलाइन के कट्टे पे बैठे हुए थे तो कुछ टपोरी लोग आए और पाइप काट दिया। तो हमने पूछा क्यों काट रहे, तो नट गए। वो अनिल का मुंह फोड़ दिया यार उन्होंने। कहाँ अनिल? वो आदेश के साथ डिस्पेंसरी में बैठा हुआ है। ये माँ को दे दो, बोला मैं पान खा गया था। कहाँ होंगे वो लोग? अरे आइए सावन सेठ, आइए। एक कप चाय का 4 रुपया? हाँ तो चाय का फोकट में बढ़ती है। चल 4 रुपया निकाल। मियाँ पूरी दुनिया में 2 रुपया मिलती है, तुमको 4 रुपए क्यों चाहिए? अबे क्यों भेजा चाट रहा है मेरा? मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। चल फटाफट 4 रुपया निकाल। 4 रुपए तो नहीं देंगे हम। तू तो क्या, तेरा बाप भी देगा। चल पैसा निकाल। यार देखो तमीज से बात करो, दादागिरी नहीं। हमें मालूम है यहाँ सब क्या चल रहा है। साले रिपोर्ट कर दूंगा तो अंदर हो जाओगे। कौन है बे? ये ले 2 रुपए। कौन अंदर कराने की हुल दे रहा है? अरे सावंत सेठ, ये आदमी देखो मेरे को डोल दे रहा है। बोलता है मेरी रिपोर्ट कर देगा, मेरे को अंदर करा देगा। अरे छोड़ो सेठ, क्या अंदर कराएगा? तुम फिक्र मत करो, मैं इससे निपटता हूँ। क्या बात है भाईजान? देखिए हाथ मत। तेरी तो मरिया लाखे दिखाता है। देखिए आवाज नहीं निकालना, नहीं तो तेरे गले का पाइपलाइन इधर ही काटूंगा, समझा क्या? चल फट फट इधर से।